ठीक हो? बढ़िया। देखो घर के नीचे आई हो, ऊपर नहीं चलोगी? ये घर को नहीं लेके जा रहे। क्यों? पापा आए। हाँ पापा तो है, पापा तो है। कह रहा हूँ ना मैं इनकी दोस्त हूँ। हाँ तो मैं इन्हीं के साथ आई हूँ। और क्या? इन्हीं के साथ आई हूँ। क्या? लो भाई, ऐसा नहीं है। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अब तो तुमने देख लिया, कभी भी आ जाओगी। याद नहीं हुआ? कंफ्यूज हो गई। अच्छा चलो बढ़िया है, जाओ घूमो फिरो। मुझे बताओ कितनी बार बैठी हो? फर्स्ट टाइम ना। अब मुझे बताओ कितनी बार बिठाया है? जल्दी बताओ जल्दी। देखो देखो, देख लिया फ्रेंड, एक भी बार नहीं बिठाया। एक भी बार क्यों नहीं बिठाया? बैठ जाओ, बैठ के उतर जाओ। ओहो ओहो ओहो, वो तो मैं जब नहीं, जब बाइक जब से आई है ना, फर्स्ट टाइम बाइक को देखा है जब डिलीवरी हुई थी ना, जब मैं बैठी थी, ठीक है, लेकिन उसके बाद नहीं। मतलब कोई राइड वाइड पे नहीं गई हूँ मैं। एक काम करना, जब मैं जाऊंगी ना राइड पे, जब चलना तुम, मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। हाँ, और चलो जाओ, बाय बाय। फ्रेंड्स अभी अभी ना जस्ट पापा ना बाहर से लेकर आए हैं चकोतरा, ये इसे समझ गए होंगे, छिलवा के लेकर आए हैं पापा। और बाकी फाके फाके हैं, मतलब ऊपर का जो बक्कल होता है ना मोटा वाला, वो पापा ने छिलवा लिया था। और मैं कुछ इस तरीके से मैं खाती हूँ, ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको छील के रख दिया इधर और ये निकाल ली। और ये इसके साथ मसाला भी दिया है अंकल जी ने, मतलब बहुत अच्छी तरीके से इसके ऊपर यम वाला मैं डाल के मसाला, और स्पून से इसको एंजॉय कर रही हूँ, देख सकते हैं आप। लाजवाब, मोस्ट फेवरेट है बचपन से, तो पापा को जब भी ये दिखता है ना तो पापा ज़रूर लाते हैं मेरे लिए। और आज भी पापा ये पूरा लिया है एक उठा के, और ये मेरा 3-4 दिन आराम से चलेगा फ्रेंड, क्योंकि अभी मैंने इसकी सिर्फ 2 ही फाके निकाली हैं। और 2 फाकों में भी देखो जरा इतना सारा निकला था, अभी मैं इतना सारा खा भी गई और फिर भी ये बचा हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बचपन से ही। बचपन स्कूल जाती थी ना मैं, तो पापा स्कूल के बाहर से भी दिलाया दिया करते थे, जब तो 2 रुपए की 1 फाक मिलती थी स्कूल के बाहर। बहुत खाया है मैंने। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआ से मैं बहुत अच्छी हूँ। और आज मैंने फाइनली फ़ोन उठा लिया ब्लॉग बनाने के लिए। क्या करूँ यार, भाई तो चले गए ब्लॉग बनाने के लिए मुंबई, और भाई को कुछ काम भी था, ब्लॉग के लिए ही नहीं गए। ब्लॉग के लिए हमने फोर्स किया उन्हें कि जब जा रहे हो काम के लिए तो ब्लॉग भी कर लेना, तो इसीलिए वो चले गए हैं मुंबई। तो मुंबई में हमने कॉल भी करनी है, तो सब कुछ करना है। बात करूँगी ना भाई से, तब भी दिखाऊँगी, ठीक है। फिलहाल आज मेरे पास बहुत सारा काम है, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि पेंडिंग हैं, जैसे कि मेरे फ़ोन के टेम्पर्ड और कवर जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, टूट गए हैं, आईफोन का भी और ये वीवो वाले फ़ोन का भी। तो मुझे दोनों फ़ोन के टेम्पर्ड न्यू चढ़वाने हैं, और भाई ने मुझसे काफ़ी टाइम पहले बोला था यहाँ के मिरर के लिए, ठीक है, यहाँ पर एक मिरर लगेगा फुल, तो भाई ने मुझसे काफ़ी टाइम पहले कहा था। तो मैं सोच रही हूँ भाई जब मुंबई से आएंगे तो उन्हें मैं सरप्राइज़ दे दूँ यहाँ पर फुल मिरर लगवा कर। तो आज वो भी देखने के लिए चलेंगे शॉप पे। बहुत सारे काम हैं, और भी काम हैं, तो चलिए चलते हैं, एक एक करके सारे काम फिनिश करते हैं। फिलहाल मुझे पापा के साथ जाना है अभी, तो चलिए पहले पापा के साथ चलते हैं। रेडी हो चुकी हूँ मैं, सिर्फ मुझे बुरखा ओढ़ना है, ठीक है, चलिए चलते हैं, लेट्स गो। इतना बड़ा मिरर लेना है तो थोड़ा सा मेजरमेंट ले लेते हैं इसका, कि कितना बड़ा हमें मिरर चाहिए इस वॉल के लिए, ठीक है। तो देखते हैं मैं कैसा लेती हूँ मिरर, कैसा नहीं। फिलहाल हम ले लेते हैं मेजरमेंट, क्योंकि ये जो अलमीरा है ना, ये जब खुलेगी तो इसका गेट यहाँ तक आ रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है, यहाँ तक मान लो इसका गेट है, ये देखो, ठीक है। तो इससे हम 1 इंच के या 2 इंच के गैप के बाद ही लगाएंगे, सपोज दैट हम यहाँ से लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से अगर हम मिरर लगाते हैं, यहाँ से अगर हम मिरर लगाते हैं, सपोज दैट, ठीक है, यहाँ से मिरर लगाते हैं हम, ठीक है, इतना चौड़ा तो कम से कम होगा वो, है ना साकिब भाई? इतना चौड़ा तो कम से कम होगा, इतना चौड़ा, ठीक है, और लेंथ, ये पूरी लेंथ है ना, ये पूरी लेंथ यहाँ से ठीक रहेगा बिल्कुल, है ना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ से,
ठीक है ना, एक मीटर का होना चाहिए इसकी लेंथ और इसकी चौड़ाई होना चाहिए 23, ठीक है 23 फ्रेंड्स इसकी चौड़ाई हम लेंगे और लेंथ लेंगे पूरी एक मीटर की, ठीक है। देखेंगे इतनी ही लेंथ का होता है या इससे बड़ा होगा या इससे छोटा होगा, जैसा भी है। अभी मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ क्योंकि बहुत तरीके के मिरर आ रहे हैं, मैंने ऑनलाइन भी सर्च करा था बट मैं सोच रही हूँ कि मुझे जाके ही लेना चाहिए। तो चलिए फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले पापा के साथ जाते हैं, उसके बाद फिर मिरर देखने जाएंगे। और मेरे साथ जा रहे हैं साकिब भाई, तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो। फाइनली पापा का काम करा दिया है मैंने, जिस काम के लिए पापा मुझे लेके गए थे। एक्चुअली वो एक फॉर्म फिल करवाना था, तो बस वो किया पापा के साथ। पापा अपने फ्रेंड्स के साथ चले गए, उनके फ्रेंड मिल गए थे रास्ते में, और हम पहुंच गए थे मिरर की शॉप पे जहां हमने मिरर वगैरह देखे। एक्चुअली वहां पर बनते हैं मिरर, खुद बनाते हैं वो, तो इसलिए हम उनके पास गए थे। तो वहां पर हमने काफी सारे मिरर देखे हैं उनके पास, तो देखते हैं अब हम कौन सा लगवाते हैं कौन सा नहीं। फाइनल अभी हमारे डिसाइड खुद नहीं हुआ क्योंकि सारे इतने अच्छे लग रहे हैं, अब कौन सा लगाएं कौन सा नहीं तो वो तो बाद में ही पता चलेगा। फिलहाल मैं लेकर आई हूँ सब्जी पूरी क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, पहले सब्जी पूरी खाती हूँ, ठीक है। ये देखो मम्मी निकाल भी रही है। ये है सब्जी, ये हलवा और ये है पूरी। Soon after. मैं आ चुकी हूँ बच्चों को पढ़ा के, और देखो सीधा मैं घर पे आती हूँ और घर से जाती हूँ ट्यूशन। तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि मुझे अपने फोन का टेम्पर चढ़वाना है। बस इसी तरीके से ये दिन जा रहे हैं और मेरा टेम्पर फोन का नहीं चढ़ पा रहा है, सिर्फ इसी रीजन से कि मैं सीधा जाती हूँ और सीधा आती हूँ, कहीं भी इधर उधर नहीं मुड़ती। अब मैं क्या करूँ, जब ऊपर आ जाती हूँ जब याद आता है फोन का टेम्पर भी चढ़वाना था यार, फिर दोबारा जाने की हिम्मत ही नहीं होती सीरियसली। तो इसीलिए बस रह रहा है, चलो कोई बात नहीं, खैर करना तो है ही, चढ़वाना तो है ही, आज नहीं कल चढ़वा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अभी मैं पी रही हूँ स्प्राइट जो कि पापा लेकर आए हैं, देख सकते हैं अभी अभी मैंने इसके अंदर करी है ठंडी ठंडी, वाओ। हाँ मजा आ गया। इसे पीने के बाद इसके अंदर जो गैस होती है ना वो आती है नाक से मेरे। अम्मी यहाँ पर बैठी है माशाल्लाह से, नमाज पढ़ लिया आपने? चलो बढ़िया है फ्रेंड्स, मैं आ गई पढ़ाकर, अब थोड़ा सा आराम करूँगी, रेस्ट करूँगी, आपके लिए वीडियो एडिट करूँगी और फिर आपको मिलेगा इंशाल्लाह व्लॉग। आपको मेरी व्लॉग कैसे लग रही है वो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। और मिरर का जो था ना मिरर, अभी तक हमने डिसाइड नहीं करा है, अभी पहले मैं भाई से कन्फर्म करूँगी, ठीक है, उन्हें किस तरीके का चाहिए कैसा नहीं। भाई तो कह रहे थे बिल्कुल सिंपल चाहिए जब वो बोल रहे थे लगवाने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ कुछ मतलब यूनिक किया जाए, कुछ ना ज़्यादा हल्का हो ना ज़्यादा भारी हो, ठीक है, अच्छा शीशा हो और उसके ऊपर डिज़ाइन वगैरह भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है, मेरी ये थिंकिंग है। बट पता नहीं कौन सा मिलता है हमें कौन सा नहीं, वो तो वक्त बताएगा। काम फिनिश हो चुका है और ये रही अपन की चाय, चाय पियो मैं फ्रेंड, बहुत ज़्यादा थक गई सच में, मेरी शाम की चाय। और मम्मी देखो क्या कर रही है, अभी मैंने काम करा है और मम्मी को देखो सफाई कर दी, सफाई मम्मी ने कर दी। मॉर्निंग नेक्स्ट डे हो चुका है और मॉर्निंग की मेरी बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी शुरुआत हुई है कुरान शरीफ से, क्योंकि मैंने सुबह उठते ही पता नहीं क्यों मेरे दिल में ऐसा था कि मैं सुबह उठते ही कुरान शरीफ पढ़ूँ। मुझे पता नहीं क्यों इतना हो रहा था, क्योंकि मैंने कल कुरान शरीफ पढ़ा नहीं था इसलिए हो रहा था, क्योंकि मैं चाहे थोड़ा सा पढ़ूँ बट मैं पढ़ती ज़रूर हूँ, ठीक है, तो मैंने कल नहीं पढ़ा था और मैं परसों भी नहीं पढ़ा था मैंने आई थिंक, तो इसलिए यार मैंने आज पढ़ लिया, मेरे दिल को सुकून मिल गया सीरियसली। तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी शुरुआत हुई है मेरी कुरान शरीफ पढ़कर। अब मैं चलती हूँ किचन में क्योंकि मुझे अपना ब्रेकफास्ट भी बनाना। फ्रेंड्स मैं किचन में आ चुकी हूँ और आते के साथ मैंने देखा यहाँ पर फ्राई पैन ऑलरेडी रखा हुआ है क्योंकि मम्मी ने अभी नाश्ता बना के दिया है भाइयों को, तो इसीलिए तो फटाफट से मैं भी अपना नाश्ता बनाने जा रही हूँ। तो नाश्ते में है ब्रेड और ब्रेड का कुछ अतरंगी सा बनाती हूँ मैं, ठीक है। फ्रेंड्स मैंने यहाँ से ब्रेड निकाल लिया है, प्लेट ले ली है और मैंने एक नाइफ भी ले ली। मैंने बनाई थी आलू की क्या फ्राइज बोलते हैं ना इसे, फ्राइज फ्राइज बनाए थे, तो ये इसके अंदर मैं फिल करूँगी ब्रेड में, नॉर्मल ब्रेड में, ठीक है, इसे मुझे यूज में लेना है इसलिए बच गई थी नहीं तो मेरी ये काम मेरे। नहीं
अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, मेरे ब्रेकफास्ट पर नियत लगा रहे हो भाई। तो क्या हुआ, मैं तो अंडा पीस समझ रहा था। अंडा पीस क्या, अंडा ही पीस बना सकती हूँ? देखो आलू की फिलिंग करी है मैंने इसके अंदर, अगर तुम्हें खाना हो तो बता देते, मुझे मैं तुम्हारे लिए भी बना देती। अभी अभी उठी हूँ तो अभी तो बताऊंगी। चलो चलो जाओ भाई जाओ। चल तो भाई कैसे है हमारे? जैसे भी है ठीक है, सीधे साधे। सुबह आना, सुबह जाना, शाम को आना, बस वो वाला काम इनका। ड्यूटी पे जाते हैं अपनी और ड्यूटी से वापस आना, बस यही काम है इनका। लेकिन हमें इसने सारे काम होते हैं। यार सीरियसली बिजी बिजी पर्सन है हम, बिजी। चलो अब मैं टमाटो केचप इसके अंदर ऐड कर दूं। इसके दो टुकड़े कर लूंगा, ठीक है? फ्रेंड्स मेरा ब्रेकफास्ट हो गया स्माइली के साथ रेडी। फर्स्ट टाइम मैंने स्माइली बनाई है और देखना इतनी मोटी मोटी सी बन गई है। चलो कोई बात नहीं, चलो चलते अपना ब्रेकफास्ट लेकर। अच्छा लग रहा है ब्रेकफास्ट करते हुए, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने कुछ अतरंगी सा बनाया ना इसलिए। अब देखते हैं इसका फ्लेवर कैसा होगा, क्योंकि इसके अंदर आलू की फिलिंग है। बहुत यम्मी लग रहा है फ्रेंड्स ये तो। फ्रेंड्स मैं फ्रेश वगैरह होकर आ चुकी हूँ सुबह नाश्ते के बाद। ये मैंने कल वाली ही ड्रेस पहन ली, बिकॉज कल मैंने ज्यादा देर के लिए नहीं पहनी थी, बस थोड़ी सी देर के लिए पहनी थी, शाम तक असर की नमाज के बाद मैंने इसे उतार दिया था इसीलिए। तो अब हो रहा है लंच टाइम और मेरे लिए मम्मी ने बनाया आलू का पराठा विद शेजवान चटनी। तो चलिए मज़ेदार लंच अपना करते हैं और करने के बाद फिर चलेंगे। आज हम फाइनली चढ़वा लेंगे अपने फ़ोन पे टेम्पर्ड। ये देखो बिल्कुल चूरा चूरा हो रहा है चारों तरफ से फ्रेंड्स। और ये पता है मेरे कान में भी लग गया था जब किसी का फ़ोन आया ना, जैसे मैंने उठाया और दोनों फ़ोन का ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि एकदम से गिरा था। एक तो टेबल पे से गिरा और ये वाला फ़ोन गिरा था टेबल से, ठीक है, ये वाली टेबल से गिरा था ये, तो इसलिए इसका ये हाल हुआ है। और ये जो आईफोन है जिससे मैं शूट कर रही हूँ, ये गिरा था कूलर पे से धड़ाम एकदम सीधा। वो तो छोड़ो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ टेम्पर्ड ही चटका है। तो टेम्पर्ड चढ़वाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक सेफ्टी हो जाती है फ़ोन की। अगर इसका ग्लास टूट जाता तो मेरी तो लग जाती सीरियसली लंबी, 4-5 हज़ार की टिकती सीरियसली। लेकिन अब सिर्फ मेरा काम हो जाएगा आराम से 200-300 रुपये में। तो चलिए फटाफट चढ़वाएंगे, पहले हम लंच करते हैं फिर निकलेंगे, ठीक है? सही रहेगा ना, ये टूटेगा तो नहीं ना। बड़े मैंने ही लगा था फोन पे। टेम्पर चढ़वाने के बाद मैं आ गई बीकानेर। बीकानेर से मुझे लेने थे चिली पटेटो, तो यहाँ पर आकर चिली पटेटो का ऑर्डर दिया। थोड़ा सा वेट करना पड़ा, वेट करा और फाइनली मेरा ऑर्डर रेडी हो गया है। मैं वापस आ चुकी हूँ और मेरा टेम्पर्ड भी चढ़ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह दोनों फोनों पे, और बहुत ज्यादा बढ़िया वाला मैंने चढ़वाया है। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी इंशाल्लाह हमें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा चूरम चूर होता है फ्रेंड्स, कानों भी चुभ रहा था तो बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था। और रास्ते में से ही मैंने बहुत सारे काम करे, शीशा भी हमने फाइनल कर दिया है, आ जाएगा इंशाल्लाह आमीन। और जब लगेगा तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जरूर दिखाऊंगी, अगर नेक्स्ट व्लॉग तक आ गया, क्योंकि हमने बनवाने के लिए दिया है अपनी पसंद का इसलिए। और दूसरी बात तो हो गई, तीसरी बात चिल्ली पटेटो भी लेकर आई हूँ अम्मी के लिए, कि मेरे मोस्ट फेवरेट हैं। जल्दी से खाती हूँ और बताती हूँ इसका टेस्ट आपको कैसा है। स्कूल टाइम में तो बहुत ही खाया हमने चिल्ली पटेटो में। ले आओ, सुन रहे हो, तुम भी खा लो। अरे सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो? इनसे कह रही हूँ पापा से तुम्हारे, कि तुम भी खा लो। ले पापा बैठे, लाओ मैं दे कर रहा हूँ पापा को, पापा को देने जाने। अच्छा ये लो पापा चिल्ली पटेटो, लो खाओ, मजे लो, खाओ पियो, ऐसे लो, लो खाओ, टेस्ट बताना पापा इसका, ठीक है? बताओ कैसे लगी, गरम हो रहे हैं बहुत ज्यादा, हैंड टू हैंड बना के बनवा के लाई हूँ क्रिस्पी से। कैसे हैं, बढ़िया? चिली पटेटो वगैरह खा लिए हैं, बहुत ही ज्यादा यमी और टेस्टी हो रहे थे, क्योंकि जिस चीज़ का मन करे ना इंसान का वो चीज़ खा लेना चाहिए। तो वही चीज़ मैंने करी, मैं लेकर आ गई, इसी बहाने अम्मी ने भी खा लिया और पापा ने भी खा लिया और बहुत अच्छे लगे सबको।
फिलहाल अभी मैं लाइव आई थी थोड़ी देर पहले, तो सबके मैंने क्वेश्चन वगैरह पढ़े थे, जो जो उन्होंने मतलब बोले पूछे, ठीक है, जवाब भी दिए उसके। तो इसी के साथ अब मैं इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, और हाँ इंस्टाग्राम पे आप भी फॉलो कर लीजिएगा जिसने अभी तक नहीं करा है, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और बताना नीचे कॉमेंट सेक्शन में कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। दुआ में याद रखना, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।